सभी किसान भाइयों तथा बहनों को मेरा नमस्कार। मैं मनु कुमारी एफटीजी चैनल के माध्यम से आपके सामने, मैं हिमाचल प्रदेश हमीरपुर जिला की स्थायी निवासी हूँ। किसान भाइयों तथा बहनों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे हमीरपुर जिला के एक किसान महिला ने अपने घर में गलगल खट्टे का पौधा लगाया हुआ है। तो आओ मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने वो पौधा कहाँ से लिया है और कैसे उसको लगाया है तथा किस तरीके से उसको तैयार किया है और कब जैसे उसने फल देना स्टार्ट किया है। तो आओ किसान भाइयों तथा बहनों, मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? उमापति। अच्छा जी, आपके गांव का नाम? सामनी। अच्छा जी, तो आपने जो ये गलगल खट्टे का पौधा लगाया हुआ है ना? हाँ जी। आप कहाँ से लाए थे इसको? नर्सरी से लाए थे। अच्छा जी, कितने रुपए का? 20 रुपए का। अच्छा, और कब जैसे लगाया था इसको? हो गए 2 साल। अच्छा, 2 साल हो गए। कैसे कैसे लगाया? ये ऐसे केंचुए खाद डाल के। अच्छा, खड्डा किया पहले? खड्डा किया। अच्छा, खाद डाली। हाँ जी। तो किसान भाइयों तथा बहनों, आप देखिए ये छोटा सा पौधा है, ये देखो कितने साल बाद इसने फल देना स्टार्ट किया। इसने 2.5 साल बाद। अच्छा, 2.5 साल बाद। अच्छा, इस साल ही लगे कि पिछले साल भी लगे थे? इस साल लगे। तो देखो किसान भाइयों तथा बहनों, ये देखिए गलगल खट्टे लगे हुए हैं। ये देखिए छोटी सी टाली है, ये छोटी सी है, ये देखिए छोटा सा, आप खुद देख सकते हैं छोटा सा पौधा है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है अगर बोले ज्यादा। और कितने ज्यादा लगे हुए हैं ये देखिए, भरपूर तरीके से लगे हुए हैं ये देखिए। और इन्होंने इसको खड्डा करा पहले, फिर उसमें केंचुए खाद डाली और इस पौधे को लगा दिया। तो ये देखिए किसान भाइयों तथा बहनों, इस तरह से इन्होंने इस गलगल खट्टे का पौधा लगाया है। आपको पता है गलगल खट्टे जो हैं वो बाज़ार में कम से कम 150-200 रुपये किलो बिकते हैं। तो इन्होंने अपने घर में ही गलगल खट्टे का पौधा लगाया हुआ है और ये इसको इन्होंने इस पौधे को इन्होंने तैयार किया हुआ है। ये देखिए किसान भाइयों तथा बहनों, आप भी अपने घर में इस तरह से कोई भी किसी भी प्रकार का पौधा लगा सकते हैं और अपने घर के ही पैदावार कर सकते हैं। ये देखिए किसान भाइयों तथा बहनों, ये लगे हुए हैं गलगल खट्टे, ये देखिए। अभी तो इसका साइज भी थोड़ा छोटा छोटा है, अभी ये बड़े होंगे, अभी ये तैयार नहीं हुए हैं, इनको कम से कम जनवरी महीने में तोड़ लेते हैं और इनका अचार भी डालते हैं। ये देखिए, इसी के साथ धन्यवाद।